क्वेश्चन लिखिए. द क्वेश्चन इज अ सर्कल इज टचिंग द साइड. अ सर्कल इज टचिंग द साइड बी सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एट point P and touching AB and AC produced at Q and R respectively. Full stop. Prove that AQ is half of perimeter of triangle ABC. ये प्रूव करना, ये एग्जाम्पल में भी है, बोर्ड में भी तीन बार आ चुके हैं क्वेश्चन. और आर्यन क्या कर रहे हो? आर्यन कांत कुछ नहीं सर, ये फैशन कर रहा हूँ. ये वीडियो ऑन करो ना सर. वो ऑन कर रहा हूँ तो बना नहीं है, तो अजीब सा आ रहा है बहुत. मेरी बाकी क्लासेस में भी जो साइंस की होती है उसमें भी यही आता है. अच्छा, ये जो अभी आ रहा है कुछ चक्का जैसा आ रहा है कुछ. yes, चेंज ही नहीं हो रहा है. ओके, उसमें वीडियो तो क्रॉस दिखा रहा है उसमें. सर मैं आपको यहाँ से दिखा सकता हूँ, वीडियो में से ऑन ही नहीं हो रहा मेरा. मैं सेटिंग्स भी दिया, वहाँ पे भी ऑन नहीं हो रहा. अच्छा कोई बात नहीं, डोंट वरी, इसको जल्दी से सॉल्व करो, तो ट्राई करो तो इसको. यस सर. A circle is touching the side BC of a triangle ABC at P and touching AB and AC produced at Q and R respectively. Prove that AQ equal to half of perimeter of triangle ABC. क्वेश्चन समझ में आया क्या कर रहे हैं कि डायग्राम बना के समझाऊं? सर पांच में दीजिए सर. ओके समझा दीजिएगा, यानी क्वेश्चन समझाऊंगा बस. देखो क्वेश्चन बोल रहा है एक सर्कल है जो किसको टच कर रहा है, साइड बीसी को ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी. एबीसी कोई ट्रायंगल है और उसके बीसी साइड को टच कर रहा है, और किसको टच कर रहा है वो सर्कल? एबी एंड एसी प्रोड्यूस्ड. एबी एंड एसी प्रोड्यूस का मतलब समझ रहे हो क्या सर? ये टेंजेंट बन जाएंगे एबी और एसी. ना ना ना, उसको एबी प्रोड्यूस का मतलब है ए से बी की तरफ जाओ और उसको एक्सटेंड करो ऐसे, और एसी प्रोड्यूस का मतलब है इधर ए से सी की तरफ उसको एक्सटेंड करो, और फिर जो सर्कल बनेगा ना वो सर्कल बीसी को भी टच कर रहा है, और जो एक्सटेंड करने के बाद जो साइड बन रहा है उसको टच कर रहा है. तो छोटा डायग्राम बना तो बहुत बड़ा सर्कल बन जा रहा है.
ट्रायंगल है एबीसी, और ए बी को प्रोड्यूस करना आ गया, ए सी को भी प्रोड्यूस करना आ गया, और फिर एक सर्कल है जो बी सी को टच कर रहा है, और ए बी और ए सी जो प्रोड्यूस किया उसको टच कर रहा है, ऐसा सर्कल है। तो ए बी को कहाँ पे कर रहा है? क्यू पे, और ए सी को कर रहा है आर पे, रिस्पेक्टिवली बोला हुआ है। तो ये पॉइंट है क्यू, और ये जो पॉइंट है इधर, ये है आर। तो हमें प्रूव करना है कि ए क्यू, जो ए क्यू होगा ना, ए से क्यू तक का डिस्टेंस, वो होगा हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी। विव्रत, यस सर, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली सर। सर पीवर ऑनलाइन क्लास में 6 बजे आया है। एक मिनट पहले आ गया, देखो। नहीं, हैप्पी विव्रत, देखो क्या बोल रहे हैं आर्यन तुमको, कि आप ऑफ ऑनलाइन क्लास में भी 6 बजे आए हो। So the circle touches BC at what point? एट पी, B, ठीक है सर। क्यू है ए बी प्रोड्यूस्ड और आर है ए सी प्रोड्यूस्ड। ये क्वेश्चन दिया है, देखो तो विव्रत, ट्राई दिस वन। सर। सर्कल इज टचिंग द साइड बी सी ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी एट पी। बी सी को पी पॉइंट पे टच कर रहा है, एंड टचिंग ए बी ए सी प्रोड्यूस्ड। ए बी साइड को आगे बढ़ाया नीचे की तरफ, और ए सी को नीचे की तरफ एक्सटेंड किया, तो ए बी को एक्सटेंड करने पे क्यू पे काटता है, और ए सी को एक्सटेंड करने पे आर पे काटता है, टच करता है। तो हमें प्रूव करना है कि जो ए क्यू होगा ना, हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी होगा। इसमें थ्योरम टू यूज होगा, लिखा ना, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, बस उसी से बन जाएगा क्वेश्चन। हो रहा कुछ कि बताओ?
युक्तार्थ का तो सिर्फ सर ही दिख रहा है, तो कैमरा ऊपर करो ना यार। पिछले क्लास में आए थे ना आप तो? विव्रत यस सर, पिछले क्लास में आए थे ना? यस सर, वो थर्सडे को आया था सर। बस वो दो थ्योरम जो सिखाया था ना कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और दूसरा सिखाया था लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। तो जो दूसरा थ्योरम है ना, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, बस वही यूज हो रहा है इसमें। बताऊं आर्यन राज, तो ठीक है सर। अर्नब हो रहा है कुछ? गया हूँ, आप करा ही दीजिए। देखिए ध्यान से देखिए, पहले ये देखिए बी क्यू, बी क्यू किसके इक्वल होगा? सर सी आर यार नो, बी क्यू सी आर के इक्वल क्यों होगा? सर बीसी बीपी बी सर पी के इक्वल बीपी होगा। बी एक पॉइंट है ना सर्कल के बाहर है, तो बी से टेंजेंट बनाओगे तो ये लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल नहीं होगा? नहीं। यस सर। अच्छा और देखो, और सीपी, सीपी किसके इक्वल होगा? यार सी आर के इक्वल होगा, सही बात क्योंकि सी से अगर टेंजेंट बनाएंगे सर्कल पे तो सी से पी का डिस्टेंस और सी से आर का डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा। ओके, और हमें प्रूव करना क्या है, ए क्यू निकालना है, ए क्यू निकालना है, और ए क्यू क्या आना चाहिए, जो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल है उसका हाफ आना चाहिए। अच्छा एक और इसमें, एक जगह एक पॉइंट पे ना, एक पॉइंट से और लग रहा है थ्योरम, ए से ए ए क्यू किसके बराबर होगा? एसी ए सी के बराबर होगा, ए सर क्यू। यार सर यार हाँ ए आर, क्यों? इस तीनों का लॉजिक यही है, टेंजेंट लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, समझ गए? अब देखो ए क्यू इक्वल टू ए आर हो गया। ओके अब हमें निकालना है ए क्यू। अच्छा पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, पहले वो भी निकालते हैं, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल वो होगा क्या, ए बी प्लस बी सी प्लस क्या, सर एसी ए सी। ओके अच्छा, ए बी, बी सी को पता क्या लिख सकते हो, बी सी को आप लिख सकते हो बी पी प्लस सर बीपी प्लस सीपी सीपी सी पी लिख सकते हैं, और ए सी को ए सी ही रहने दो आप।
अच्छा अब बताइए, ए बी प्लस बीपी को क्या लिख सकते हो? अच्छा नहीं, बीपी को क्या लिख सकते हो फिर से? वन मोर टाइम, बीपी किसके इक्वल? बीक्यू बी क्यू लिख सकते हैं, क्योंकि बीपी बी क्यू के इक्वल है। सीपी को क्या लिख सकते हो? सी आर सीपी को लिख सकते हैं सी आर प्लस ए सी। ए बी प्लस बी क्यू कितना हो गया? एक्यू सर एक्यू पी लिख दिया, पी फॉर पेरीमीटर है, ए क्यू हो जाएगा। सही बात है। और सी आर प्लस ए सी सर यार यार ए आर हो जाएगा। और पी पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल है, ए क्यू। और ए आर को क्या लिख सकते हो आप? क्यों ए क्यू, ए आर ए क्यू इक्वल है, तो पी पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल क्या हो गया? टू ए क्यू। एंड देयर फोर ए क्यू कितना आ गया? वन बाय टू टू पेरीमीटर। हैंस प्रूफ। समझे आर्यन राज? तो लिख लीजिए इसको। समझा क्या नाम है? अर्णव। अच्छा सर आपके बगल में कौन बैठा हुआ है? बैठा नहीं हो सर ही पर है भाई है ये अच्छा, नहीं फिर दो आदमी का फीस देना पड़ेगा ना, इसलिए बोल रहा हूँ। दो आदमी पढ़ोगे तो कौन से क्लास में आपका भाई? सर यूके भी होगा यूकेजी में? आपके स्कूल में है? ओके जी सर okay. ये समझ में आया सबको कि नहीं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में भी आया हुआ है, एग्जाम्पलर में भी है, अब बोर्ड में भी आया है कई बार। लिख लिए सब लोग? यस सर गुड। हाँ सर हो गया यस सर लिख लिया एक और क्वेश्चन कराता हूँ इसी टाइप का। इसमें प्रूफ को प्रूफ करना है। टू प्रूफ ए एफ प्लस बी डी प्लस सी ई इक्वल टू ए एफ ए ई प्लस बी एफ प्लस सी डी। और ये सब आना चाहिए हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी।
इसमें भी थ्योरम टू ही यूज हो रहा है, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। कुछ हो रहा है बच्चे? आसान क्वेश्चन है ये भी। जैसा गुड। राघव गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, आज वहां चले गए थे? अच्छा, यस सर। आज इसलिए ग्रहण था ना, तो इसलिए मैं सोचा कि ऑफ ऑनलाइन ही क्लास ले लेता हूँ। ओके सर। ये क्वेश्चन ट्राई करो तो बेटा, ये क्वेश्चन जो बोर्ड पे लिखा हुआ है ना, ये डायग्राम दिया हुआ है और ये सर्कल है ट्रायंगल के अंदर, और ये एफ डी और ई पॉइंट पे टच कर रहा है, ठीक है? मतलब ए ओके बी, बी सी और ए सी टेंजेंट है सर्कल का। सर, हाँ जी सर सर ये इसमें सर पीटी आप। वो सर हाफ पेरीमीटर सर प्रूव कर दिया सर, बस वो मतलब पहला वाला पार्ट प्रूव नहीं कर पा रहा बस। वो तो ज्यादा इजी है बेटा। अच्छा, उसके बिना तो हाफ पेरीमीटर प्रूफ ही नहीं होगा। आपको भेज दिया हाँ, उसके बिना हाफ पेरीमीटर प्रूफ ही नहीं होगा। जो पहला बार ना पहले करना पड़ेगा वो यूज होगा पेरीमीटर हाफ प्रूफ करने में। आपको भेज दिया। हाँ, अभी आया देखता हूँ क्या नाम है।
अच्छा वो भी भेज दिया सर, मैंने भेजा। ओके प्रूफ तो कर दिया आपने हाफ पेरीमीटर सर, मतलब फिर ए एफ प्लस बी डी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी ए प्लस सी डी वाला नहीं हो रहा सर फिर? वो हो जाएगा ना, वो जो है ना तीन जो इक्वेशन लिखे ना, ए एफ इक्वल टू क्या लिखे हो, ए बी डी इक्वल टू बी एफ सी डी इक्वल टू सी, बस तीनों को ऐड कर दो ना तो इक्वल हो जाएगा ना प्रूफ। अच्छा अच्छा हाँ नहीं क्वेश्चन नंबर कौन सा? ये क्वेश्चन नंबर मैंने ये आरडी शर्मा से दिया है, ये क्वेश्चन हाँ सॉरी आपका देखता हूँ। सही है आर्यन आपका सही है, गुड। राघव कैमरा ऑन कर लो इफ पॉसिबल। विव्रत आप भी कर लो कैमरा ऑन इफ पॉसिबल। यस गुड। पिछड़ी केबल लगा रखा है तीव्रत ने, एकदम केमिस्ट्री पढ़ता है पूरे दिन। गुड उसको ऐड कर दोगे ना तीव्रत तो आ जाएगा पहले वाला पार्ट। यस सर आ गया सर, सर आ गया सर। गुड आ गया अर्णव सर, ये मतलब पिछले क्वेश्चन की तरह नहीं होगा, जैसे चार वैल्यू थी ना उसमें तीन वैल्यू रहेगी। अरे ऑलमोस्ट अब सेम ही एग्जैक्टली सेम थोड़ा रहेगा, वैसा ही कुछ है ना। देखो इधर ए डी प्लस पी डी कर दिया इज इक्वल टू पी, तो ये हाफ देखो हो जाए। ए एफ किसके इक्वल है बताओ तो सर? ए एफ इज इक्वल टू ए ई, ए ई हो गया। अच्छा और बी डी इक्वल टू सर? बी डी इक्वल टू बी एफ और पी डी सी डी मत लिखो, सी लिखो, समझ रहे हो? ए एफ क्यों लिखा, देखो लेफ्ट साइड में ए एफ है, बी डी है और सी है, इसलिए मैं लेफ्ट साइड में उसको लिख रहा हूँ, समझा? तो सी क्या होगा पुत्र? सी डी हो जाएगा। अब तीनों को ऐड कर दो ना तो क्या हो जाएगा, ए एफ प्लस बी डी। सर ये तो मैंने कर दिया पार्ट थ्रू नहीं हो रहा, मतलब हाफ सेंटीमीटर अपने वो तो और भी आसान है, इसी से हो जाएगा ना वो भी। मतलब यहाँ आ गया ए प्लस सी डी रह गया हो गया। अब पेरीमीटर निकालो, पेरीमीटर को पी मान लेता हूँ, वो क्या होगा, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। अब ए बी को दो पार्ट में स्प्लिट कर दो तो क्या हो जाएगा, ए एफ प्लस बी एफ। ए बी को क्या लिख दो, हाँ लिख सकते हो वैसे कि नहीं? तो ए एफ प्लस बी एफ। ओके अब बी सी को क्या लिख दो, बी डी प्लस सी डी लिख दो और ए सी को लिख दो ए प्लस सी ई। ओके एफ रहने दो, बी एफ को क्या लिख सकते हो, बी डी को बी डी रहने दो, सी डी को क्या लिख सकते हो, सी ई और ए को क्या लिख सकते हो सर, ए एफ और सी को सी रहने दो। तो एफ दो बार ही आ गया, देखो बी डी भी दो बार आ गया और सी भी दो बार आ गया, समझ रहा है? तो टू फिर टू टाइम्स ए एफ प्लस टू टाइम्स बी डी प्लस टू टाइम्स सी। अब इसमें टू कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, ए एफ प्लस बी डी प्लस सी। और ये क्या है, पेरीमीटर के बराबर आया नहीं?
एंड देयरफॉर AF प्लस BD प्लस CE निकालेगा ना, तो P/2 हो जाएगा, पेरीमीटर बाई टू हो जाएगा। और हमें पता है ही कि पहले पार्ट में प्रूफ ही कर दिया, AF प्लस BD प्लस CE बराबर AE प्लस BF प्लस BD, तो दूसरा वाला भी हाफ पेरीमीटर हो जाएगा, नहीं? ऐसे लिख दो, इसको लिख दो इक्वेशन वन, इसको लिख दो इक्वेशन टू। फ्रॉम वन एंड टू यू कैन से फ्रॉम इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू व्हाट वी कैन से AF प्लस BD प्लस CE बराबर AE प्लस BF प्लस CD इक्वल टू हाफ पेरीमीटर ट्रायंगल ABC। समझे राघव? गुड। राघव लिख लिया आपने बेटा? यस सर। विव्रत बंद क्यों कर दिया कैमरा को? कैमरा ऑन रहने, ऐसे थोड़ा ज्यादा लाइवली लगता है ना, ऐसे लगता है आर्टिफिशियल टाइप से थोड़ा बिना कैमरा के। लिख लिया विव्रत? विव्रत ने तो कर ही लिया था। अर्णव आपको समझ ना आया? लिख लिया आपने? हाँ सर लिख लिया। गुड। अब वो क्वेश्चन करते हैं, एनसीईआरटी वाला करते हैं, जो दो रह गए थे ना, कौन सा 12 और 13 रह गए थे शायद, नहीं बताओ 12th क्वेश्चन क्या है एनसीईआरटी का, एक बार पढ़ो तो जरा। A triangle ABC is drawn to circumscribe a circle of radius 4 cm such that the segments BD and DC into which BC is divided by the point of contact D are the length of A segment. एक काम करो ना, उसका फोटो खींच के, मेरे पास तो बुक नहीं है ना, फोटो खींच के ग्रुप पे डाल दो 12 और 13 क्वेश्चन का। कोई और डाल दो जिसके पास मोबाइल है ना अभी, और आर्यन राज आप डाल दो। सर मैं लैपटॉप से हूँ। आर्यन राज को बोल रहा हूँ इसलिए। आ गया। टॉक में डाल दिया। भाई ये तू कहाँ से देख रहा है क्वेश्चन? PDF। PDF मत देखा कर सर, बुक बाइंडिंग कल गई है ना, फट गई थी। अच्छा सर, वही बस बुक की है, उसका PDF वर्जन है। सॉल्यूशन वाला पेज नहीं खोला है, यही देख रहा था मैं सर। अच्छा बुक की है, देखो ध्यान से। हाँ लग तो रहा है सही, NCERT दिख रहा है। A triangle ABC is drawn to circumscribe a circle of radius 4 cm. अच्छा डायग्राम भी दिया हुआ इसका। ये क्वेश्चन कुछ ज्यादा ही इम्पोर्टेंट है। राघव आपने किया है क्वेश्चन बेटा? नहीं सर ये हुआ नहीं। हाँ ये थोड़ा सा ना डिफरेंट टाइप्स होते हैं क्वेश्चन, इसलिए बहुत ध्यान से देखना है। ए बी किधर है? राइट साइड में बी।
सी डी इधर है सेंटर ओ ये टेंजेंट रेडियस ये दिया हुआ 6 सेंटीमीटर सी डी और बी डी दिया है 8 सेंटीमीटर अ ट्रायंगल एबीसी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर तो ओडी कितना बताओगे ओडी सर 4 हाँ क्योंकि ये सी बी टेंजेंट है ना तो ओडी रेडियस है तो ये 4 दिया हुआ है सच दैट सेगमेंट बी डी एंड सी डी इंटू विच बी सी इज डिवाइडेड बाई द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट डी आर ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली ओके फाइंड द साइड ए बी एंड ए सी तो बी सी निकल जाएगा बी सी कितना है अर्नव सर 20 हो जाएगा 14 हो जाएगा 14 हो जाएगा सही बात तो ध्यान से देखना इसको लिखना मत अभी मैं समझाता हूं उसमें सभी लोग खुद से करके भेजेंगे मुझे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ठीक है मुझे निकालना है क्या ए बी का लेंथ निकालना और ए सी का लेंथ निकालना है तो इसको मान लेता हूं मैं ई इसको मान लेता हूं एफ तो सी एफ कितना होगा कोई बताएगा सर 6 होगा हाँ सर 6 हो जाएगा 6 हो जाएगा और बी ई कितना होगा बेटा सर 8 8 हो जाएगा और ए एफ नहीं पता है तो ए एफ को मैं मान लेता हूं एक्स तो ए ई कितना होगा एक्स एक्स अगर एक्स निकल जाएगा तो ए सी भी आ जाएगा और ए बी भी आ जाएगा नहीं क्योंकि ए बी निकालने के लिए क्या करेंगे एक्स प्लस 8 और ए सी निकालने के लिए भी एक्स प्लस 6 तो बस यहाँ पे एक्स निकालना हमारा पर्पस रह गया ठीक है ओके अब देखना ध्यान से इसमें क्या फंडा यूज होता है अच्छा हीरोन्स फॉर्मूला पता है किसी को क्या होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए पढ़ा होगा 9th क्लास में हीरोन्स फॉर्मूला सर रूट ओवर आई थिंक ब्रैकेट में एस माइनस साइड वन एस स्क्वायर इन एस एस इनटू इनटू एस माइनस ए ए इनटू एस माइनस बी इनटू हाँ सर एस एस माइनस माइनस सी वेयर हाँ सर सर एस क्या होता है ये होता है एरिया ऑफ सेमी ट्रायंगल का पेरीमीटर फॉर्मूला सेमी पेरीमीटर मतलब ए बी सी हमने यहाँ पे साइड लिया हुआ है तो ए बी ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है ठीक है तो इसको मैं मान लेता हूं साइड ए इसको मान लेता हूं साइड बी ए इसको क्यों माना जो कैपिटल ए होता है ना उसके सामने वाले को स्मॉल ए मानते हैं जो पर ऐसा कोई जरूरी नहीं किसी को भी मान सकते हैं पर जनरली ऐसा ही होता है इसको मैंने मान लिया स्मॉल बी ये मान लिया स्मॉल सी तो इसका एरिया क्या हो जाएगा एस की वैल्यू क्या आएगी बताओ तो सर x+14 एक्स प्लस 14 नहीं एक्स प्लस 6 बाद में सॉल्व करके नहीं ऐसी बोल रहा हूँ ए क्या है ए है 14 नहीं हाँ सर तो या सिक्स 14 प्लस 6 प्लस 8 है और बी क्या है प्लस सर x+6 और सब प्लस x+8 और ए सी है एक्स प्लस 8 जो कि सी है डिवाइडेड बाई 2 तो कितना हो जाएगा एक्स प्लस 6 2x आ जाएगा प्लस 14 प्लस 14 28/2 तो एस की वैल्यू आ गई एक्स प्लस 14 यहां तक समझ में आया यस सर अब देखो अब एरिया ऑफ ट्रायंगल हीरोन्स फॉर्मूला से क्या होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा हीरोन्स फॉर्मूला से रूट एस की वैल्यू है एक्स प्लस 14 इंटू एस माइनस ए मतलब एक्स प्लस 14 माइनस कितना आर्यन कांत ए कितना है बेटा 14 14 इंटू एस एस है एक्स प्लस 14 माइनस बी बी कितना है एक्स प्लस 6 है तो माइनस एक्स माइनस 6 हो जाएगा इंटू एस
एस है एक्स प्लस 14 माइनस सी, सी क्या है एक्स प्लस 8, अब माइनस करेंगे तो माइनस एक्स माइनस 8, तो इधर एक्स और एक्स कट जाएगा, इधर भी एक्स और एक्स कट जाएगा, इधर 14 और 14 कट जाएगा, तो यू लेफ्ट विथ एक्स प्लस 14 इंटू एक्स इंटू कितना 14 एंड 14 माइनस 6 8 इंटू 14 माइनस 8 6, तो ये आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। यहां तक समझ में आया? सर वो 14 प्लस 8 नहीं हो जाएगा? ये माइनस हो जाएगा ना वो, क्योंकि ऐसे करोगे ना एक्स प्लस 14 माइनस एक्स प्लस 8, तो एक्स प्लस 14 माइनस एक्स माइनस 8 हो जाएगा ना वो, नहीं नहीं समझा? सर वो x+14 - x-6 वाले। हाँ तो ए, ये तो 8 हो गया ना, फिर 8 माइनस 6 14 माइनस 6 कितना हो गया 8। कौन सा बोल रहे हो आप? इस यही सर समझ में आ गया? सही है ये? ओके, तो हमने क्या किया, हमने तो पहले देखो ये दिया हुआ था, इस हमने सी एफ निकाल लिया, बी डी पता था उसे बी निकाल लिया, बस हमें ए एफ नहीं पता है और ए ही नहीं पता है, तो ए एफ और ए ही तो सेम होगा, तो इसको हमने एक्स मान लिया, और फिर हमने हीरोन्स फार्मूला इसमें यूज किया, हीरोन्स फार्मूला से एरिया निकाल दिया इसका। अब देखो लेकिन इससे एक्स तो नहीं निकला, लेकिन तो इस ट्रायंगल के एरिया एक और टेक्निक से निकालते हैं, कैसे देखो जरा ध्यान से, इसका एरिया एक और तरीके से निकालेंगे लाइक दिस। आप क्या करो, ओ से ए को ज्वाइन कर दो, ओ से सी को ज्वाइन कर दो और ओ से बी को ज्वाइन कर दो। अच्छा, ओ से एफ को मिलाओगे ना तो ओ एफ क्या हो जाएगा, पर एफ यहां पे 90 डिग्री हो जाएगा, थ्योरम वन, रेडियस ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। अच्छा, ओ ई भी परपेंडिकुलर हो जाएगा, नहीं तो ओ एफ कितना है बताओ, तो ओ एफ सर 4 4 सही बात है, रेडियस है, ओ ई कितना है 4 4। अच्छा, अब हम इसी ट्रायंगल के एरिया एक और तरीके से निकालेंगे, कैसे, ये जो बड़ा ट्रायंगल है ना, ये तीन ट्रायंगल में बट गया है बेसिकली, ये तीन ट्रायंगल में बट गया है, एक ये ट्रायंगल है, दूसरा ट्रायंगल है ये वाला, और तीसरा ट्रायंगल है ये बॉटम में। अगर इस तीनों ट्रायंगल के एरिया को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, एबीसी का एरिया आ गया। ए बी सी का एरिया आ जाएगा, और इस तीनों ट्रायंगल के एरिया आप निकाल सकते हो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से, पता है क्यों? जैसे आप ही, जैसे ये ट्रायंगल का देखो नीचे वाला, ये इसका बेस कितना है, इस ट्रायंगल का बेस कितना है सर फोर्टीन 14 और हाइट सर फोर 4 फोर तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ये भी एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी ही है, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल बीओसी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या, बताओ BOA
सी ओ ए, सही बात है, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ ए। अर्नब समझ रहा है क्या अच्छे से चल रहा है ये? हाँ क्या समझा भाई? कि अगर तुम बी ओ सी का एरिया ऐड कर दो, ये वाला एरिया, प्लस सी ओ ए का एरिया ऐड कर दो, ये वाला, प्लस ए ओ बी का एरिया ऐड कर दो, तो क्या आ जाएगा? पूरे ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। ले हाँ, ए बी सी का एरिया आ जाएगा, ये पॉइंट ओ है। ओके, अब देखो बी ओ सी का एरिया क्या होगा? हाफ इंटू बेस कितना है बी बी ओ सी के एरिया के लिए? 14 है, नहीं है? और हाइट कितनी है? और ना बताओ हाइट कितनी है? बहुत जाएगी। फोर हो जाएगी। अरुणा भी बताएगा, सी ओ ए का एरिया बताओ क्या होगा? गुड, वेरी गुड। तो हाफ इंटू बेस हो जाएगा एक्स प्लस सी इंटू हाइट, हो हाइट 4 ही रहेगा, प्लस बी ओ ए का एरिया क्या होगा यथार्थ? सर किसका बी ओ है? बी ओ ए, बी ओ ए का होगा हाफ इंटू एक्स इंटू फोर। ना बी ओ ए बोल रहे हैं भाई, बी ओ ये पूरे ट्रायंगल का। अच्छा, इसका हाँ इसका होगा हाफ इंटू एक्स प्लस एट इंटू फोर। सही बात है, गुड। हाफ इंटू एक्स प्लस एट इंटू फोर। और देखो इसमें कुछ कुछ कॉमन है। क्या कॉमन है? एक तो हाफ कॉमन है सब में। अच्छा, टू से काट दो ना फोर को, सारा फोर तो कट जाएगा टू से, तो ये हर एक में टू कॉमन है, तो क्या बचेगा अंदर? 14 प्लस, 14 प्लस क्या बचेगा बताओ भाई? एक्स प्लस सिक्स प्लस क्या बचेगा? बोलो बोलो, कोई भी बोलो, जल्दी बोलो। हाफ कॉमन नहीं ले रहे हैं भाई, हाफ कॉमन ले, सॉरी हाफ बोल रहा हूँ, टू कॉमन ले लिया मैंने, तो क्या बचेगा? सर एक्स प्लस एट। एक्स प्लस एट, तो आ जाएगा टू इंटू एक्स प्लस सिक्स, कितना हो जाएगा? टू एक्स टू प्लस एक्स कितना? प्लस 28। 28। अच्छा, इसमें से और टू कॉमन ले लो एक और, तो बाहर फोर आ जाएगा, तो एक्स प्लस 14 आ जाएगा ये। हाँ एक्स 14। देखो, तो ये किसका एरिया है? ए बी सी का एरिया है, नहीं है? ये एरिया है ए बी सी का, इसको टू मान लेता हूं, और ये एरिया किसका है? ए बी, ए बी सी का ये एरिया है, इक्वेशन वन, नहीं है? इक्वेशन को आप सिंपलीफाई नहीं करोगे और क्या? दोनों को इक्वेट करेंगे, इक्वेशन वन को और टू को इक्वेट कर देंगे, तो फिर एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। हाँ तो यार इक्वेशन थोड़ा सा वन और सिंपलीफाई नहीं करोगे क्या? और क्या करोगे, सिंपलीफाई बताओ आप। तो इसमें लगा आप 8 × 6 का तो 8 × 6 का तो सर उसका तो एक्स प्लस 14 × 8 × 6। हाँ वो बाद में, हाँ वो उसको बाद में कर देंगे। ठीक है तो तो दोनों दोनों एरिया किसका है? ए बी सी का ही है ना, तो दोनों हाँ से सर। इक्वेट कर सकते हो आप, है ना? तो हमने क्या किया इसमें, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी दो तरीके से निकाला है, एक तो हीरोंस फॉर्मूला से निकाला है, और दूसरा इन तीनों ट्रायंगल को ऐड करके निकाला है। इन तीनों ट्रायंगल को ऐड करके निकाला है,
तो फ्रॉम वन एंड टू दोनों को इक्वेट कर सकते हो आप, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू। इक्वेशन वन क्या हो जाएगा, रूट ऑफ एक्स प्लस 14 इंटू एक्स इंटू 56, 48 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा 48 इक्वल टू क्या, 4 इंटू एक्स प्लस 14, दोनों सेम हो जाएगा। अब दोनों साइड स्क्वायर कर दे, पिवट लिख रहा है यार, लिखने के लिए मना किया था ना यार, ध्यान से समझो, फिर मैं बोला था मैं खुद दूंगा करने के लिए, खुद से करना पड़ेगा। स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 14 इंटू एक्स इंटू 48 इक्वल टू कितना होगा, 16 इंटू एक्स प्लस 14 का होल स्क्वायर। ये समझ में आया, तो देखो ये x प्लस 14 सब तो इनटू में है ना, तो x प्लस 14 एक कट जाएगा स्क्वायर से, तो लेफ्ट साइड में अच्छा 48 भी कट जाएगा 16 से, 3 टाइम्स, तो क्या बचा 3x बराबर, 3x इक्वल टू क्या, x प्लस 14 ये 48 को काट दिया ना 16 से। अच्छा ओके, हाँ हाँ सर ठीक है, और उधर x प्लस 14 एक ही बचा है, तो 2x कितना आ गया, देखो अर्णव भी लिखने में बिजी है भाई, तो 2x कितना हो गया 14, तो x 14. कितना आ गया 7, तो AB कितना हो जाएगा फिर, AB क्या था देखो जरा उधर, x प्लस 8 सर, ए बी 13 होगा और ए सी 15 होगा, नहीं ए बी होगा 15, नहीं इधर ए सी है ना लेफ्ट, ये ए सी है देखो ध्यान से, ए सी है एक्स प्लस 6, यही आंसर आ गया, समझा, किसी को डाउट हो तो पहले पूछ लो, किसी को समझना कहीं डाउट है किसी स्टेप में, तो मैं ऊपर से तो ऊपर, हाँ बताइए, मैं डाउट ही सवाल देखना था एक बार, हाँ हमने कुछ नहीं किया, एक कैलकुलेशन ही है, हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल दो तरीके से निकाला है, एक हीरोंस फार्मूला से और दूसरा तीन ट्रायंगल का एरिया को ऐड करके, बस अब फिर दोनों को इक्वेट कर दिया, फिर एक्स की वैल्यू आ गई है, चलो चलो करके दिखाओ जल्दी सभी लोग, खुद से करके दिखाओ,
आ गया आंसर? यस सर, भेज दिया हमने। आपने पहले से तो नहीं लिखा था राघव? सर एक मिनट सर। नहीं सर, खुद किया। गुड। नहीं मैं इनकी, मैंने जो लिखाया है उसमें पहले तो नहीं लिख लिया था देख के? नहीं सर। ओके है तो सही है सर। सही है, गुड। विवृत हो गया बेटा? सर होने वाला है सर, आखिरी स्टेप पे हूँ। ओके आर्यन कांत, आपका आंसर आ गया? सर ऑलमोस्ट सर, बस। ओके अच्छा, एक तो नीरल नहीं, एक और कोई बच्चे एबसेंट लग रहा है, एक कोई और में कौन नहीं है? धैर्य। हाँ धैर्य नहीं है। इतना छुट्टी करके क्या करोगे अब? प्री बोर्ड आने वाला है, उसका चिंता नहीं करोगे है ना? थोड़े दिन बाद देखा ना प्री बोर्ड स्टार्ट हो जाएगा, तो जल्दी से सिलेबस खत्म करके ना फिर रिवीजन भी तो स्टार्ट करना है हमें। सर भेज दिया सर। हाँ आ गया, मुझे चेक कर रहा हूँ। सही है आपका, सही है, गुड। सर मैंने भी भेज दिया। पर अपने ग्रुप में भेज दिया, कोई बात नहीं चलेगा। सर वो खुला बात है। हाँ सही है।
सही है, गुड तर्क। किसका रह गया? आर्यन कांत का रह गया बस। बस बस लास्ट स्टेप कर लो। थर्टींथ हो गया था सबसे। थर्टींथ ट्राई किया था आप लोगों ने? यस और नो? सर ट्राई किया वन। ओके, 13th इजी क्वेश्चन है। इफ 12th थोड़ा सा ना अलग टाइप से कि हीरोज फॉर्मूला भी यूज हो गया और एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला एक और तरीके से, फिर दोनों को इक्वल किया। अगर ये पहले से नहीं किया होगा ना अगर 12th क्वेश्चन, तो एग्जाम में नहीं समझ पाएगा कोई। 13th क्वेश्चन देखो, बताता हूँ, पहले मैं समझाऊंगा, हमको लगता है आप लोग खुद ही कर लोगे फिर। सुनो ध्यान से सुनो, आर्यन कांत बाद में भेजना उसको। प्रूव दैट अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रेटर सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। तो कौन बाहर है, सर्कल बाहर है कि क्वाड्रिलेटरल बाहर है? सर क्वाड्रिलेटरल। हाँ, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब कर रहा है किसको? सर्कल को। तो क्वाड्रिलेटरल क्या है? बाहर है। तो हम चार साइड बना देते हैं और चारों साइड ना टेंजेंट रहेगा इसका, किसका? सर्कल का। ये ए बी सी डी कोऑर्डिनेटर मान लिया, जो सर्कम स्क्राइब कर रहा है किसको? सर्कल को कर रहा है। तो हमें क्या प्रूफ करना है, कोई बता पाएगा क्या प्रूफ करना है? इधर मान लो सर्कल का सेंटर मैंने ओ मान लिया, अपोजिट साइड ऑफ कोऑर्डिनेटर सप्लीमेंट्री एंगल बना रही है मिडल पॉइंट से, सेंटर पे है ना? यस सर। तो क्या मतलब हुआ इसका? सही बोल रहे हो आप, थोड़ा और इसको एक्सप्लेन करो। मतलब प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। बोला कि जो अपोजिट साइड है, जैसे मैंने एक साइड ले लिया ए बी, तो ए बी जो सेंटर पे एंगल बीओसी और हाँ सही बात है बीओसी प्लस एंगल एओडी इज इक्वल टू 180। या ऐसे बोल सकते हैं कि कोई भी दो अपोजिट साइड ले लिया, जैसे ए बी ले लिया, तो ए बी ये एंगल बना रहा है ओ पे, तो ए बी जो एंगल बना रहा है वो एंगल, और सी डी जो एंगल बना रहा है ये क्या होंगे? सप्लीमेंट्री होंगे। इसका इसका सम क्या होगा? ये पता है, ये ए सी डायगोनल होना कोई जरूरी नहीं है। समझ पा रहे हो मेरी बात? ए सी डायगोनल वो है क्या? इज ए सी डायगोनल विवृत्त? यस सर। एसी डायगोनल है क्या सर्कल का? नो सर। हाँ, कोई जरूरी नहीं है। तो दूसरा डायग्राम बनाता हूँ और थोड़ा घटिया डायग्राम बनाता हूँ। ये क्वाड्रेटर कैसा भी हो सकता है, उसमें नहीं बोला बोला कैसा क्वाड्रेटर है, ये क्वाड्रेटर बना दिया। तो इधर है
ओ सेंटर है, ए बी सी डी, बोला कि अपोजिट साइड जो है ना क्वाड्रेटल का, जैसे मैंने ए बी ले लिया, ए बी एंगल बना रहा कुछ ओ, वैसी सी डी भी कुछ एंगल बना रहा है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे, ये प्रूफ करना है, मतलब इन दोनों का सम 180 होगा। एंड ऑब्वियसली जो बाकी दूसरा अपोजिट साइड है कौन सा, ए डी एंड बी सी, ये भी क्या बना रहे हैं, सप्लीमेंट्री एंगल बना रहे हैं। तो अगर आपने ये दोनों 180 प्रूफ कर दिया तो दूसरा, तो दोनों का दूसरा जो है उन दोनों का सम तो 180 हो ही जाएगा, क्यों, क्योंकि टोटल 360 होता है। जैसे मान लीजिए आपने इसको x मान लिया, इसको y मान लिया, और इसको z मान लिया, इसको w मान लिया, अगर आपने x प्लस वाई 180 प्रूफ कर दिया तो w प्लस z अपने आप 180 हो जाएगा, क्योंकि x प्लस वाई प्लस w प्लस z बराबर 360, और x प्लस वाई आपने 180 ला दिया तो w प्लस z अपने आप ही 180 हो जाएगा फिर, नहीं? तो पहले तो ट्राई कीजिए कि x प्लस वाई 180 आ जाए। तब पर ये तो सीधा वो लीनियर एंगल वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी ना, कौन सी, आवाज आपकी ना क्रैक हो रही, समझ में नहीं आया क्या बोला आपने, इसको मैम ये x मान लिया और ये y मान लिया, तो आपको प्रूफ करना है कि इनका सम 180 होगा। टू प्रूव ए ओ बी एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी इज 180 डिग्री, बताओ कैसे करेंगे, लाइट चली गई क्या वहाँ आर्यन राज, मेरा अंधेरा हो रहा है सर, लाइट चली गई नहीं, अच्छा यहाँ पे लाइट जाती नहीं है, हाँ वो बात तो सही। किसी को आइडिया आ रहा है कैसे करेंगे, पर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से एंगल एओबी और एंगल सीओडी इक्वल हो सकता है क्या,
नहीं वही तो बता रहा था ना, ये लाइन नहीं है ना, ये देख रहे हो, ये लाइन आगे बढ़ जाएगा ना, इसलिए मैं ऐसा डायग्राम बनाया। ये डायगोनल है ही नहीं, ये अलग अलग लाइन है, मतलब एसी पूरा लाइन नहीं है और बीडी भी लाइन नहीं है। देखो जो आपने थ्योरम पढ़ा है, दो थ्योरम पढ़ा है, एक थ्योरम पढ़ा है टेंजेंट और रेडियस का, कि जो रेडियस होता है परपेंडिकुलर होता है टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, एक ये थ्योरम पढ़ा है। दूसरा थ्योरम पढ़ा है कि अगर बाहर से सर्कल के बाहर से कोई पॉइंट लेते हैं और दो टेंजेंट बनाते हैं सर्कल पे, तो उस दोनों टेंजेंट का लेंथ इक्वल होगा, बस इसी दोनों को यूज करना है, और थोड़ा बहुत कंग्रेंसी वगैरह यूज हो जाता है। हाँ जी अर्नब, क्या घूम घूम रहे हो आप? सर पेन लेके आऊ सर, दूसरा मैं नहीं दे रहा, कोई चल ही नहीं रहा। अच्छा मुझे लगा निरल नहीं आई थी इसलिए आपका मन नहीं लग रहा आज। नहीं आ रहे कांत, इसलिए इधर उधर घूम रहा है सर, पॉइंट है सर। हाँ देखो इसमें थोड़ा सा हिंट दूं क्या, हल्का सा? सर थोड़ा बात ना सर। हाँ ये जो पॉइंट है ना, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, इसको यूज करो तो हो जाएगा। ये सब टेंजेंट है ना, तो इसको यूज करो तो हो जाएगा। इसको P मान लो, इसको Q मान लो आप, इसको R मान लो, और ये S मान लो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को। कंग्रुएंसी भी यूज होगा, कुछ और भी मिलाना पड़ेगा अभी आपको, और फिर कंग्रुएंसी भी यूज होगा थोड़ा इसमें। क्या करो, ओपी को मिला दो, ओपी को मिला दो, ओक्यू को मिला दो, OS को मिला दो, OR को मिला दो, और कंग्रुएंसी यूज कर दो, फिर एंगल AOB प्लस एंगल COD 180 आ जाएगा। फिर अब आपको देखना है कि कौन से ट्रायंगल कंग्रुएंट है इसमें।
और ओबी इक्वल होंगे? नहीं, वो इक्वल होने जरूरी थोड़े ना। हाँ कुछ तो इक्वल है ना। कुछ हो रहा है? हाँ सर हो गया। यस सर बस ऑलमोस्ट। अर्णव कुछ सोच नहीं रहा तो यार। हाँ युक्तार्थ आपने सोचा कुछ? हाँ सर। हो गया? नहीं सर अभी कर रहा लिख रहा हूँ। नहीं नहीं लिखना क्या है, सोच लिया कि कैसे करना है? हाँ सर ये जो ट्राइंगल्स है इन्हें करना कॉन्ग्रुएंट प्रूफ है। भेज दिया आपको, आप देख सकते हो क्या? हाँ देखता हूँ कौन सा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया है। ये युक्तार्थ OPA OSA सही बोल रहा हूँ। बाकी सिमिलरली लिख दो फिर उसमें देख थोड़ा वो करना पड़ेगा CPCT यूज उससे हो जाएगा एंगल्स का कुछ होगा। सही है आर्यन राज। विव्रत आपने किए? हाँ कौन सी यूज नहीं किया था लेकिन किया तो है वो नहीं किया है नहीं सर कौन सी समझ नहीं कैसे यूज करते हैं तो एंगल इक्वल कैसे किया फिर वो वन इक्वल टू टू कैसे लिखा फिर? अच्छा ओके हाँ हाँ सर वो हाँ वो सर हाँ तो वो सेकंड थ्योरम से हाँ सर तभी को अच्छा उसको डायरेक्ट यूज कर लिए बोल रहे हो है ना? मैंने बोला था इसे। हाँ एक्चुअली ये ट्रायंगल
और ये ट्रायंगल कंग्रुएंट है। हाँ सर, मैं डायरेक्ट यूज कर लिया था कि एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू। बस ये 90 है, ये 90 है। देखो अर्नव, अर्नव और ओए क्या है, कॉमन है इसमें? यस और ओपी और ओए इक्वल है, पता है क्यों? सर रेडियस, रेडियस। तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। कौन से रूल से? ये ट्रायंगल और नीचे वाला ट्रायंगल आरएचएस से, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड, आरएचएस से कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो सीपीसीटी से क्या हो जाएगा, इसको एंगल वन मानते हैं तो ये एंगल, या इसको एक्स मानते हो तो ये भी एक्स हो जाएगा। नहीं अच्छा, वैसे ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल भी कंग्रुएंट है। 90 90, ओडी कॉमन, ओएस इक्वल टू ओआर, तो इसको वाई मानते हो तो ये भी वाई हो जाएगा। वैसे ये 90 है, ये 90 है, तो ये दोनों ट्रायंगल भी कंग्रुएंट है। समझ रहे हो प्रिव्रत? यस सर। ये वाई हो जाएगा, ये भी वाई हो जाएगा, तो वैसे ये जेड हो जाएगा, तो इधर भी जेड हो जाएगा। वैसे ये दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट है, तो ये एंगल इक्वल हो जाएगा, ये डब्ल्यू है तो ये डब्ल्यू है। तो 2x प्लस 2y प्लस 2z प्लस 2w कितना हो जाएगा, 360। तो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू हो जाएगा 180 डिग्री। अब देखो एंगल AOB में क्या क्या यूज हो रहा है, अब निकालो एंगल AOB प्लस एंगल COD। तो AOB क्या है, x प्लस डब्ल्यू है, COD क्या है, y प्लस जेड। तो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू ये हमने ऊपर निकाला हुआ है, कितना है 180 डिग्री, हो गया प्रूफ। सिमिलरली एंगल AOD प्लस एंगल BOC ये भी हो जाएगा 180। सही है राघव ने भी सही किया, गुड। इसको लिखो, भेजो आर्यन कांत, अर्णव, विव्रत। मैंने शॉर्टकट में लिख दिया, थोड़ा डिटेल्स में लिखो इसको। तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन देता हूं, जिनका जिनका हो गया। ए बी गिवन है 12, बी सी गिवन है 8 और सी ए गिवन है 10। तो फाइंड करना आपको ए डी, बी ई एंड सी एफ। ये बोर्ड में चार बार ही आया हुआ, 4 टाइम्स ये क्वेश्चन आया हुआ।
एक ट्रायंगल है जिसमें तीनों साइड दिया हुआ है, ए बी बी सी एंड सी डी, और डायग्राम भी बना दिया है। फिर पूछा ए डी निकालो, बी निकालो और सी एफ निकालो, इसको ट्राई कीजिए। अरे नाम ने पिछला वाला क्वेश्चन अभी तक नहीं भेजा यार। सर यार प्रश्न बस ऑलमोस्ट हो रहे थे, दोनों भेज देता हूँ। अर्णव आपने भी नहीं भेजा, पिवरत आपने भी नहीं भेजा, युक्तार्थ आपने भी नहीं भेजा, बस दो बचे। सर अभी कर रहा हूँ सर, जल्दी करो। पुराना वाला तो भेज दिया सर। कहाँ भेजा सर? जो पिछला वाला कह रहे हो ना? हाँ वो भेज तो दिया सर। ये वाला क्वेश्चन ये कहाँ भेजो? अच्छा ये 13 सर मेरे पास आपका नंबर नहीं था। तो आप अपना मेरा नंबर लिखो 95 60 444 804 राघव आप ये क्वेश्चन ट्राई करो जो बोर्ड पे लिखा हुआ है। सर मैंने दोनों भेज दिए सर। मैंने जो अभी अभी आपने लास्ट में कराया था मैंने पूरा डिटेल मैंने लिखा अच्छे से जो जो वही लिखे थे जितना मैंने लिखा था। चलो ठीक है एग्जाम में लेकिन डिटेल्स में लिख देना थोड़ा। ये क्वेश्चन ट्राई करो ये जो भी भेजा अभी लिखा बोर्ड पे। सर एक बार पिछले वाले क्वेश्चन में जस्ट एंड स्टेप दिखा दीजिए एक्स प्लस डब्ल्यू प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री के बाद ये वाला। हाँ सर
हो तो दूसरे क्वेश्चन में एक बार देखा था, तो दूसरा क्वेश्चन ठीक है सर। सर और थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर दोगे? सही है कर। हुआ ये क्वेश्चन के नहीं अभी तक जो बोर्ड पे लिखा हुआ है? सर तो 1 मिनट सर। हाँ सर आ गया। बताइए कितना है एडी, कितना सर एडी मेरा 7 सही है, बीई सर, 5 सही है, गुड, और सीएफ सही सीएफ 3 आया है। सही है, गुड, वेरी गुड। भेजो जरा देखता हूँ कैसे किया क्या आपने। दिखा दो एक बार, तो कौन सा यही वाला बता दूं? सर 1 मिनट। हाँ सर ये भेज दिया थोड़ा इस तरह का एक क्वेश्चन पहले किया था, नहीं आर्यन, उससे थोड़ा थोड़ा कनेक्टेड है। हाँ सर। हाँ सर देखो जिसका जिसका नहीं हुआ है। कल्ट है मेरा क्या? हाँ सही है। अब तो आप ही देखो, एडी को एक्स मान लो, एडी निकालना है ना हमें, एडी को एक्स मान लिया, और क्या निकालना है? बीई निकालना है, बी को वाई मान लिया मैंने, और क्या निकालना है? सी एफ, सी एफ कितना? सी एफ को जेड मान लिया। तो ये देखो ए एफ कितना होगा राघव, ए एफ कितना होगा, सर कौन क्या? ए एफ कितना होगा? एक्स एक्स ओवर एक्स हो जाएगा, क्योंकि एडी को मैंने एक्स माना है, तो ये दोनों सेम होगा। बीडी कितना होगा? पीडी बाय रिजल्ट वाई हो जाएगा, और सीई जेड। अब देखो सबको ऐड कर दो तो कितनी बार पेरीमीटर के इक्वल हो जाएगा, 2x प्लस 2y प्लस 2z, पता क्या होगा?
तीनों साइड को ऐड कर दिया ना बेसिकली हमने, तो तीनों साइड का सम कितना है 12 + 8 + 10, इसमें 10 कॉमन ले लो, तो x प्लस वाई प्लस जेड पता कितना आ गया 30, तो x प्लस वाई प्लस जेड कितना हो गया 15। अब देखो ए बी कितना है भाई, पहले ए क्या निकालना है, अच्छा बी सी, वाई प्लस जेड कितना दिया हुआ बताओगे जरा, कोई डायग्राम देखो दिया हुआ ना, ए बी कितना दिया हुआ है, बी सी बी सी, हाँ वाई प्लस जेड क्या है बी सी, एट दिया हुआ है, तो एक्स निकल गया 7 है ना, जब x 7 आ गया तो अब बाकी सब भी निकल जाएगा, x प्लस वाई कितना है राघव, x प्लस वाई कितना है 12 है, तो x तो हमने भी निकाला ना, तो x इसमें प्लग कर दिया तो y आ गया 5, और x प्लस जेड कितना है टेन, गुड, इसमें भी एक्स पता है हमको, एक्स अभी हमने निकाला था 7, तो जेड निकल गया 3। ऐसी सोचा था ना आपने आर्यन राज, थोड़ा डिफरेंट था लेकिन सिमिलर है, और ये मोर और लेस यही था, सब मोर और लेस सेम ही था। हाँ सर, अच्छा पता है होमवर्क में आप लोग क्या करना, आरडी सर में है ना 8.2 करना है, आर्यन कांत यस सर, देखो तो उसमें 8.2 ही है ना सर्कल, एक बार देखो तो आरडी सर में, सर पिक्चर भेज दीजिए, हाँ वही उसी को बोल रहा हूँ, आरडी है नहीं, किसी के पास है आरडी अभी, युक्तार्थ यस सर है, देखो तो कौन सा एक्सरसाइज 8.2 ही है ना, उसका फोटो खींच के भेजो तो मुझे भेजना, yes. फिर मैं उसको सही करके भेजूंगा, पीडीएफ बना के भेज दूंगा, ये समझ में आया विव्रत कैसे हुआ है क्वेश्चन, यस सर, ठीक है गुड, लिख लिया है, समझिए करना है, बस आज के लिए इतना ही हो काफी है, आप लीव कर सकते हो, थैंक यू सर, ओके बच्चों मोस्ट वेलकम, थैंक यू ग्रुप पे, बाय बेटा, भेज दिया युक्तार्थ सर, एक दो एक एक पेज और भेजना है, अच्छा ये लिख लिया आपने, यस सर, चलो ठीक है भेज देना मुझे, मैं ग्रुप में भेज दूंगा, ठीक है सर, थैंक यू सर, ओके।